सो गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह लेंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है मंडे के व्लॉग, मंडे का दिन, आज मंडे का व्लॉग है ये मेरा। और मैं नहा धो के सारे कामों को करने के बाद थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर रही हूँ, जो कि मेरा ये डेली का रूटीन है कि मैं नहा धो के एक बार अच्छे से तैयार होती हूँ। क्योंकि आप जब नहा धो के एक बार अच्छे से तैयार हो जाते हो ना, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आती है, दिन भर चार्ज रहते हो, अच्छा फील करते हो। इसलिए मेरी ये आदत है और ये मैंने ये आदत अपनी मम्मी से सीखी है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो वर्किंग वूमेन है और वो हमेशा सुबह नहा धो के एक बार अच्छे से तैयार होती थी और फिर ही सारा दिन का काम करती थी। तो वही मैं कर रही हूँ। तो आज है मंडे, देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। फैमिली मेरे, देखिए घर की पूजा मैंने कर ली और अब चली मैं मंदिर अपनी पोटली लेके। तो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में मंदिर का सामान इसे ऐसे पन्नी में ले जाते हैं। और अभी मैं लूँगी एक लोटा जल और ये देखिए मेरी छोटी सी लोटिया है, मैं इसी से जल डालती हूँ। क्योंकि मुझे याद है कि मम्मी ने मेरी कहा था कि पीतल के लोटे से शायद भोले बाबा को जल नहीं देते हैं, इसलिए मैंने स्टील की मतलब छोटी सी ये लोटियाँ हमेशा मैं जल भर के भगवान के मंदिर में ही रखती हूँ। तो इसी से मैं जल डाल लूँगी। तो अभी इसमें जल आधा है, अभी इसको भर लेंगे। और हाँ, एक बात और मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारी वीडियोस में, तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि जब आप भोले बाबा को जल डालने जाते हो, जल भर के अपने घर से ले जाना चाहिए। और जब आप जल डाल लेते हो ना, तो पूरा नहीं समर्पित करना चाहिए, थोड़ा सा जल बचा लेना चाहिए और वो लौटा मतलब लौट के अपने घर लेके आना चाहिए। मतलब खाली लोटी अपने घर नहीं लेनी चाहिए, लेके आनी चाहिए। और फिर मैंने देखा कि फिर जो जल बच जाता है ना, उसका छिड़काव आप पूरे घर में कर दीजिए, एक मतलब कि पॉजिटिविटी के लिए। और थोड़ा सा जल अपने मतलब तीन उंगलियों को मतलब लोटी के अंदर डाल के अपने मत्थे पे स्पर्श करिए, जिससे कि कहते हैं कि बहुत भगवान की कृपा हो जाती है। तो अभी मैंने ये चीज़ देखी थी तो मैंने कहा लाओ आपसे भी शेयर कर लेते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कर लीजिएगा, और जिनको पता होगा तो उनको कोई बात ही नहीं है। तो चलते, टाइम बहुत हो रहा है, 12:15 हो गया है, तो चलते फटाफट मंदिर, और मंदिर में पूजा करके तब मिलते हैं। एंड फैमिली, यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं और आने के बाद चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो इधर मैंने दोनों को चाय नाश्ता दे दिया है खाने के लिए, और रिद्धि आम एंजॉय कर रही है, और मैं इधर आ गई हूँ अपने लिए कुछ बनाने के लिए। क्योंकि मंडे का फास्ट है और कल संडे था, तो कल भी मेरा फास्ट था प्रदोष का, तो इस वजह से कल तो मैंने इन सब चीज़ों को स्किप कर दिया था, क्योंकि कल एक अलग एनर्जी थी बॉडी में, लेकिन आज एनर्जी थोड़ा लो लग रही थी। और कल नहीं भी किए थे इसलिए क्योंकि कल थोड़ा सा मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, मेरे अभी घर में जो काम वाम लगाना है, इस वजह से मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ। और इस वजह से ये मखाना जो है, मूंगफली है, ये सब अभी ख़त्म हो गया था। अभी लास्ट जब व्रत कर रहा था मैंने, तभी मखाना ख़त्म हुआ था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं बीच में जाऊँगी तो ले कर आऊँगी, लेकिन मैं नहीं ला पाई। तो इस तरीके से कंटेनर में मैं व्रत के दिन सनफ्लावर ऑयल को यूज़ करती हूँ। ये सोयाबीन ये रिफाइंड ऑयल जो होता है ना, वो व्रत में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सोयाबीन जो है वो अनाज के रूप में माना जाता है, इसलिए वो ऑयल यूज़ करना मुझे वर्जित लगता है। तो इधर मैंने मूंगफली निकाल लिया है थोड़ा सा, अच्छा बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा ही थोड़ा करूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, तो बहुत सौगी सौगी सा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा करूँगी। और मेरी आदत है मूंगफली को ना, चाहे जितनी भी साफ दिखे वो, मैं मूंगफली को हमेशा धुल के ही फ्राई करती हूँ। और ये मूंगफली को धुलने की आदत भी मैंने अपनी बड़ी मम्मी से सीखा है। वो जो है ना, वो बहुत बड़ी पुजारिन है, उनको पूजा पाठ में बहुत दिलचस्पी है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो उनको मैंने देखा है बचपन में, बचपन से देखा था कि वो मूंगफली या कोई भी चीज़ों को बहुत धुल उल के ही यूज़ करती हैं। तो फिर ये सारी आदतें मेरी जो है ना, ये सब मैं के साइड की है, और ये सब मेरे एकदम माइंड में भरा हुआ है ना, तो जब भी मैं करने जाती हूँ ना, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो होपफुली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप भी जब भी व्रत में यूज़ करो ना, तो ऐसे ही यूज़ करना धुल के ही। और इधर मखाना खाना फ्राई करके मैं पीऊँगी चाय।
सो मैंने अभी चाय पी ली है। चाय वाय पीने के बाद मैंने बहुत सारी बोतलें खाली हो गई हैं, क्योंकि जो काम में मजदूर वगैरह है ना, वो बार 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 पानी उनी उनको नीड होती है। तो इधर अभी मेरा समर सेबुल का जो है ना कनेक्शन अभी नहीं है बाथरूम में, अभी कटा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, अपने मतलब पानी या टंकी का लेके अपने जो मैंने वेस्टीज का प्योरीफाई जग ख़रीदा है ना, उसमें फ़िल्टर करके अपने पानी को यूज़ करूँगी। तो इधर मैंने नीचे फ़िल्टर रखा है, उसमें थोड़ा पानी डालो, फिर वो छन के नीचे जाता है, फिर उसके ऊपर फिर पानी डालो, तब जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, वो फ़िल्टर जब तक होगा तब तक मैं सारी बोतलें निकाल लूँगी और उसको जो जो थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है ना, मैं उसको फेंक देती हूँ, फिर से नया पानी भरती हूँ। वैसे तो फ़िल्टर का पानी नीचे नहीं जमता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ बच्चे कभी कभी ना मुंह लगा के पी लेते हैं, तो कोई भी गेस्ट आएगा तो उसको झूठा पानी देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होता है ना अतिथि देवो भवा, जो मेहमान होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। इस वजह से भी वर्कर जो है वो भी काम कर रहे हैं, वो भी पानी पीते हैं, इसलिए मैं उसको सारे पानी को फेंक दूँगी और अब मैं फ़िल्टर से अपने बोतलों को भर रही हूँ। तो बहुत सारी बोतलें थे तो टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पानी छनता है। ये 1.5 लीटर की कैपेसिटी का जग है मेरा, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत काम आ रहा है अभी मेरे। अभी बीच में तो एकदम नहीं काम आ रहा था, क्योंकि मैं समरसेबुल से भर लेती थी, लेकिन अभी बहुत सारा काम आ रहा है। तो जल्दी से चलते बोतलें भरते और देखते हैं कि क्या करें हम। अभी मैं भर रही हूँ अपनी बोतलें, और बोतलें इतनी ज़्यादा खाली हो जाती ना देखो, और अपने पिचर से भर रही हूँ, मैंने जो वेस्टीज से प्योरीफाई किया है उससे भर रही हूँ। अभी क्या है ना, समर सेबुल का कनेक्शन कटा हुआ है, तो इसलिए मुझे ये टंकी के पानी को यूज़ करना पड़ता है। तो मैं अपने प्योरीफाई में डालने के बाद, उस पानी को प्योरीफाई करने के बाद अपनी बोतलें में भर लेती हूँ, क्योंकि अगर मुझे अब समर सेबुल का पानी चाहिए ना तो नीचे जाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा। अभी सारा अस्त व्यस्त चल रहा है इस वजह से, और अभी भी घर में काम लगा हुआ है, और आज हो रहा है कुछ छत का काम। ये सब जो देख रहे हो ना, सब अभी हो ही रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अभी ये सब भी काम होगा, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो ये सब काम हो रहा है, जब तक तब तक क्या ही कर सकते हैं। और बताओ, सच बताओ, आज मुझे थोड़ा आपको देख के ही लग रहा होगा ना मैं थोड़ा लो हूँ, लेकिन पता है 2 दिन का फास्ट लगातार पड़ गया। सावन का सोमवार तो आज है ही है, और प्रदोष भी कल था, तो संडे मंडे 2 दिन। अभी मैंने सोचा कि ये एक ही होगा, लेकिन एक नहीं है, अभी एक बार और पड़ेगा जब 13 तारीख को प्रदोष रहेगा, और 13 और 14 फिर 2 दिन का साथ का व्रत पड़ेगा। पता है क्या होता है ना, प्रदोष में भी नमक नहीं खाते, और ऐसे भी नमक नहीं खा, सोमवार के दिन भी नमक नहीं खाते, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा है कि भोले बाबा के व्रत में नमक वर्जित होता है। लेकिन हाँ, सबके स्टेमिना के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं, जिनकी स्टेमिना नहीं होती है वो नमक खा लेते हैं। तो अभी लगता है भोले बाबा ने मुझे ताकत दी है, तो अभी इस एज में अगर मैंने अपनी ताकत को छोड़ दी ना, मतलब कि लूज़ कर दी, तो और मैं दिन पे दिन और लूज़ होती ही जाऊँगी। इसलिए मैं अपनी एनर्जी को बूस्ट करती रहती हूँ, और अपना एग्ज़ाम मैं खुद से लेती हूँ कि हाँ देखते हैं कि अब कितनी एनर्जी बची है, अब कितनी एनर्जी बची है। तो इस वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नमक ना खाऊं, अभी जब तक चल सकता है चलेगा, अगर नहीं चल सकेगा तो मैं व्रत ना करना पसंद करूँगी, लेकिन करके गलत नहीं करना पसंद करूँगी। तो ये है मेरा फंडा, और ये मेरे गले में इतनी सारी घमौरियाँ निकल आई हैं गर्मी के मौसम में, अभी इधर 2-4 दिनों से, कि मैंने अभी गले में कुछ भी नहीं पहना, ना मंगलसूत्र पहना है, ना चेन पहना है। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को अदरवाइज़ मत दीजिएगा। इतनी ज़्यादा इचिंग होती है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में पाउडर लगाना होता है, या कोई दवाई लगा लेते हैं, गुलाब जल लगा लेते हैं, एलोवेरा लगा लेते हैं, जिससे थोड़ी ठंडक मिल जाए और ये चीज़ें शांत हो जाए, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। किसी को भी नहीं पसंद होगी यार, किसको ये सारी चीज़ें पसंद होती है। तो हाँ, आप ये सब कर सकते हो कि आप आइसिंग कर लो, और ठंडा वाला पाउडर लगा लो, और
एलोवेरा लगा सकते हो, गुलाब जल लगा सकते हो, ये सब आप लगा सकते हो। तो इसी तरीके से मैं करके अभी एक दो दिन पहले तो बहुत ज़्यादा थी, एकदम छुआ नहीं जा रहा था, जलन अलग हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा बेटर है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ गले में पहनने का मन नहीं कर रहा है। तो चलते फैमिली जल्दी जल्दी से अपनी बॉटलों को भरते हैं। इसमें ना थोड़ा सा टाइम लेता है पानी नीचे जाने में, इसलिए मैं वेट कर रही थी, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो यही सब कर रहे हैं, जल्दी से बोतलें भरते हैं, क्योंकि मजदूर लोग हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में पानी मांगते हैं, तो बोतलें बहुत जल्दी जल्दी खा लेती है। तो बिना टाइम वेस्ट करके काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, ये है शाम का वक्त और ये देखिए धुआंधार हो रही है बारिश, और बारिश ने मेरे घर में जितने भी काम लगे ना उसको कर दिया है चौपट। आज मॉर्निंग में छत की जो है ना प्लास्टर हुआ था, वो बारिश इतनी हुई ना कि सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं, आज बहुत सारी बर्बादी हुई है। तो बस ये धुआंधार बारिश में अभी मैं आ गई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए। तो चाय तो मैंने बना ली है और जग को साफ कर रही हूँ, और इधर मैंने चाय के साथ, क्योंकि मेरा फास्ट है, वरना बारिश हो रही थी मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बनाती या कुछ फ्राई करती, लेकिन जब मैं ऐसा करती ना आज, और मुझे मेरा फास्ट है तो मेरे मुंह में पानी आता, नो डाउट आता, इस वजह से मैं नहीं कर रही। और पहले मैंने अपनी चाय को बना के निकाल लिया है साफ, और अब मैं जो डेली यूज़ की चीनी चाय है उसको यूज़ करूँगी और चाय बनाऊँगी। तो सारी चीज़ें हफ्ता कर लिए, अब चलते हैं देखते हैं कि और आगे क्या करना है। इधर मैंने सर को, वंश के सर आए थे, उनको पानी दिया था वो, लेकिन आज पानी पता नहीं क्यों नहीं पिए, वो मुझे कल उनसे पूछना होगा। तो इधर मैं चाय छान रही हूँ, उसके बाद बहुत सारा काम है वो करूँगी और देखते हैं कि आगे क्या क्या करूँगी। बारिश हो रही थी और इतना काम फैल गया और सारा काम सही से हो भी नहीं पाया, और सारा काम रुका हुआ है। फिर मैंने किसी तरीके से, लाइट भी नहीं आ रही थी, तो मैंने किसी तरीके से ये सारी चीज़ों को साफ़ किया, बहुत मुश्किल से साफ़ किया। बैक कैमरा से दिखा, ये देखो ये सब बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ है, और अब ये सब अधूरा ही रह गया बारिश की वजह से, और लाइट नहीं आ रही है, लाइट ना रहने की वजह से और बारिश की जोरदार होने से हो गया काम में रुकावट। तो क्या ही कर सकता है आदमी, ये मौसम तो इतनी देर से बारिश बारिश हो रही थी, तो बारिश हुई तो ऐसा हो गया। तो अभी फ़िलहाल लाइट नहीं आ रही है, अभी हम सारे काम वाम करने के बाद नहा लिए हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो अब चलेंगे रूम किचन में बैठ के चाय वाय पीते हैं, देखते हैं कि मौसम वहाँ का कैसा है, सारे काम हम कर लिए, देखते हैं खाना क्या बनना है क्या नहीं बनना है। मैं सोची हूँ ना कि अजीत को फ़ोन करके कह देती हूँ कि बाहर से ले आओ, मन भी नहीं कर रहा बनाने का, और क्या ही बनाएंगे, लौकी तरोई बनेंगे, इससे जब बाहर का कुछ खा लेते हैं। तो चलते देखते हैं अजीत महाराज क्या करते हैं। अभी टाइम है पढ़ाई लिखाई का चल रहा है मेरे घर में, और बच्चे मेरे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रिद्धि को थोड़ा सा गाइड की ज़रूरत होती है, वंश को तो नहीं होता। तो मैं बस अभी रिद्धि को सारे वर्क दे दिया मैंने, वो कर रही है। रिद्धि काम कर रही हो? अपना होमवर्क कर रही है, और फिर मैं बता देती हूँ उसको कि क्या क्या करना है, तो वो खुद से कर लेती है, ऐसा नहीं है, अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करती है। और वंश गए हैं अपनी डायरी लेने, जो एक घंटे से वंशु वो गया है अपनी डायरी लेने। तो अभी करा रहे पढ़ाई लिखाई, अजीत से मैंने कह दिया वो बाहर से खाना ला देंगे, तो वो गए हैं, तो मैंने कहा ये काम ही कर लेते हैं, तो फटाफट पढ़ाई लिखाई कराते हैं फिर आपसे। एंड सारे काम करने के बाद पढ़ाई लिखाई बच्चों की मैंने करा ली है, मतलब अभी भी बच्चे पढ़ ही रहे थे तब तक ने अजीत ने मेहरबान होके आज ले आए हैं बाहर से खाना, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि आज मैं अभी बाहर से मंगा लूँगी, क्योंकि बहुत देर तक लाइट नहीं थी, और लाइट नहीं थी टंकी में सफाई करने के कारण क्या हुआ ना, पानी भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा था, फिर जब बैठ जाओ ना काम करने के बाद, अगर थोड़ा रेस्ट कर लो ना, तो फिर लगता है यार अब तो रेस्ट ही करना चाहिए, काम तो होता ही नहीं है, लेकिन काम तो करना होगा, क्योंकि रात का खाना तो सबको देना था। तो मैंने अजीत से पहले ही अपना टाई अप बना लिया था कि हाँ बाहर से कुछ कुछ ला दो, आज किचन में मतलब पानी भी नहीं था, और जब लाइट आई तो फिर मेरा मन भी नहीं था करने का। तो पहले तो मैंने पूछा कि क्या करूँ, बना लूँ कि क्या, तो उन्होंने पहले कहा तो था कि बना लो, लेकिन फिर बाद में मेहरबान हो गए और उन्होंने ला दिया आज। तो इन लोगों के फेवरेट चिली पनीर और रोटी और सैलड, ये सब इन्होंने बाहर से ही ला दिया है।
तो वो मैं दे दूँगी सबको खाने में। और ये है थोड़ा सा प्रसाद जो इनके फ्रेंड लाए थे। और इधर वंश को देखिए, वंश मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। तो इसी तरीके से आज का दिन मेरा जो होता है ना कि कंप्लीट हो गया। वैसे मैं अपने ब्लॉग की एंड भी यहीं पे करने वाली हूँ। कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।